Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. Today we will discuss political and constitutional phase 1947 to 1958. You know, Pakistan came into being 14 August 1947. 1947 को पाकिस्तान बनने से पहले 11 अगस्त को पाकिस्तान की आइस असम्बली जो थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली जो थी वो बनी, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, कह रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल जो था वो मुंतखब किया गया। और जो फर्स्ट असम्बली बनी उसमें टोटल 69 मेंबर थे, बाद में उनकी तादाद को बढ़ाकर जो है वो 79 कर दिए गए। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ पाकिस्तान असम्बली वाज मौलवी तमीज़ुद्दीन। उसके बाद 1935 का जो एक्ट था उसमें चंद अमेंडमेंट के ज़रिए जो है उनको पाकिस्तान का अबूरी आइन के तौर पर नाफिज कर दिया गया, और आइन के तहत जो है वो फेडरल सिस्टम जो था वो नाफिज किया गया। As you know, when Pakistan come into being, we face a lot of problem. Now we will discuss what are the early problem faced by Pakistan after the independence. First of all, unjust radical of award. According to 3 June 1947 plan, the provision of Punjab and Bengal was to be divided into Muslim and non-Muslim majority area. The Muslim majority area would become a part of Pakistan and non-Muslim majority area become a part of Hindustan. के एक commission बनाया गया जो के जिसने 3 जून 1947 का जो प्लान था उसको मद्देनजर रखते हुए पंजाब और बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम करना था। जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना था, और जो नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था वो हिंदुस्तान के साथ शामिल होना था। और इस कमीशन के लिए जो है वो इस कमीशन की जो जिम्मेदारी थी वो एक बरतानवी माहरे कानून जो थे वो सर रेड क्लफ को दी गई। सर रेड क्लफ ने लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव में आते हुए जो है ये तकसीम जो थी गैर मुनसिफाना की, जिसकी वजह से वो इलाके जो कि मुस्लिम अक्सरीती इलाके थे उनको ज़बरदस्ती जो है वो इंडिया के हवाले कर दिया गया, जिसमें जो मेजर इजलास थे जैसा कि ज़िला गुरदासपुर की जो तहसीलें, तीन मेन तहसीलें थीं पठानकोट, पटियाला और फिरोजपुर की जो तहसील थी उनको जो है वो ये मुस्लिम मेजोरिटी जो तहसील थी इनको ज़बरदस्ती जो है वो इंडियन के साथ इनका इलहा कर दिया गया। इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या थी? इसके पीछे बेसिक रीज़न यही थी कि गुरदासपुर का जो इलाका है वो भारत को देने का मकसद ये था कि वहाँ से भारत को कश्मीर तक रसाई फ्राहम करना था, क्योंकि इसके अलावा भारत के पास कोई ऐसा वे नहीं था जहाँ से वो कश्मीर में इंटर हो सकता। और ज़िला जलंधर ये बेसिकली इसलिए दिया गया था कि जितना भी दरियाओं का पानी है वो पाकिस्तान में आता है, जो कि फिरोजपुर से होता हुआ वहाँ पर इंडियन जो थे उन्होंने हेड वर्कर्स बना दिए, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान में पानी आना जो था वो बंद हो गया। बेसिक रीज़न जो थी वो पाकिस्तान में जो है वो पानी को रोकना और बंगाल और पंजाब को दो हिस्सों में डिवाइड करने का जो बेसिक मकसद था वो यही था कि पानी को रोकना, और दूसरा जो है वो इंडिया को जो है वो कश्मीर तक रसाई फ्राहम करना था। सेकंड नंबर पे जो आ जाता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है।
इंतजामी मुश्किलात, द हिंदू वर्किंग इन द ऑफिस सिचुएटेड इन द एरिया ऑफ पाकिस्तान माइग्रेटेड टू इंडिया एंड द ऑफिस बिकम एम्प्टी, फर्नीचर स्टेशनरी टाइपराइटर एंड अदर नेसेसरी आइटम वर आल्सो नॉट अवेलेबल इन ऑफिस, मोस्ट ऑफ द ऑफिस स्टार्ट देयर वर्क अंडर द ओपन स्काई विद नो शेल्टर। के पाकिस्तान में जो ज़्यादातर ऑफिस में जो लोग काम करते थे वो हिंदू थे, जब पार्टीशन हुई तो हिंदू जो थे वो इंडिया माइग्रेट करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से ऑफिस जो थे वो खाली होना शुरू हो गए, और जो लोग वो हिंदू जो जब गए तो उन्होंने फर्नीचर स्टेशनरी टाइपराइटर मी के जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें जो थी वो या तो उनको अपने साथ ले गए या उनको जला दिया और तबाह बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई। एक तो इनके पास ना तो बिल्डिंग मौजूद थी कि वो अपना ऑफिस वर्क स्टार्ट कर सकें, और ना ही इनके पास जो है वो स्टेशनरी वगैरह मौजूद थी। इसलिए इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें जो है वो खुले आसमान के नीचे अपना जो काम था वो करना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत सा रिकॉर्ड जो था ऑफिस रिकॉर्ड जो था वो भी हिंदू तबाह कर गए थे, और इसकी वजह से मुसलमानों को जो है पाकिस्तान में जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम दरपेश आई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अराइवल ऑफ रेफ्यूजीज, मिलियन ऑफ मुस्लिम फैमिली माइग्रेटेड टू पाकिस्तान ऑन द वे ऑफ पाकिस्तान, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम वाज मार्ट एंड द प्रॉपर्टी वाज लूटेड विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस। बड़े स्क्रीन में बल्कि दुनिया में ये सबसे बड़ी हिजरत जो थी वो तसव्वुर की जाती थी कि जब पाकिस्तान बना तो बहुत से लोग जो थे वो मुसलमान जो थे वो भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आना शुरू हुए। ये तकरीबन 1,25,00,000 के राउंड अबाउट मुस्लिम जो थे जो भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आए। जब हिजरत के दौरान ब्रिटिश फोर्सेस की मदद की वजह से हिंदू और सिखों ने जो है कत्ल व गारत जो थी वो बेइंतहा की, जिसकी वजह से जितनी भी मुस्लिम फैमिलीज थी उनके लिए जान बचाकर पाकिस्तान आना बहुत ही मुश्किल हो गया था। वो अपना तमाम जायदाद दौलत प्रॉपर्टी वगैरह जो थे वो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आए, और इतनी बड़ी तादाद में जो है वो आगे पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, जो कि अभी नई गवर्नमेंट बनी थी और इंतजामी लिहाज से भी उन्हें बहुत सारे मसाइल थे। तो इतनी बड़ी तादाद में महाजरीन को जो है वो फूड शेल्टर मेडिसन फैसिलिटी प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और पाकिस्तान के लिए एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। डिवीजन ऑफ एसेट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक एवरी स्टेप टू क्रैश द विद इकोनॉमी ऑफ न्यू स्टेट विद द क्वेश्चन ऑफ डिवीजन ऑफ एसेट बिटवीन टू सेपरेट कंट्री वाज राइज्ड। के पाकिस्तान बनने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हर मुमकिन वो काम किया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो तबाह हो सके। इसके लिए उन्होंने जो है वो जब एसेट की बात आई कि पाकिस्तान को एसेट असासों की तकसीम के हवाले से, तो उसमें पाकिस्तान के हिस्से में 750 मिलियन रुपीज जो थे वो आते थे, जिसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पाकिस्तान को जो है वो सिर्फ 200 मिलियन रुपीज जो थे वो पे किए गए और बाकी जो थे वो पे नहीं किए गए। ठीक है, और जब पाकिस्तान ने इस हवाले से आवाज़ उठाई तो बाद में जो है वो पाकिस्तान को जो है वो 500 मिलियन रुपीज जो थे वो दिए गए, लेकिन 50 मिलियन रुपीज जो है जो कि पाकिस्तान का जो राइट था वो अभी तक उन्हें नहीं मिल सका। और एसेट की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ये जो नाइंसाफी थी इसमें भी भारत का वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ सामने आता है कि उसका मौक़िफ़ यही था कि पाकिस्तान को जो है वो माशी लिहाज। डिवीज़न ऑफ आर्म्ड फोर्स,
आर्मी फोर्स के डिवीज़न के हवाले से जो है वो सबसे पहले कमांडर इन चीफ जो उस वक्त थे उन्होंने ये ऑप्शन दिया कि दोनों मालिक के जो फोर्सेस का हेड जो है वो कंबाइन रखा जाए, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो है वो इसकी मुखालफत की, जिसकी वजह से 64 और 36% की रेशो से जो आर्म असासे थे उनकी डिवीज़न का जो है वो प्लान किया गया। तो उस वक्त जो है वो तकरीबन 60 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो थी वो बरेसगीर में काम कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं थी जो कि पाकिस्तानी एरिए पर मुश्तमिल हो। तो इट वाज डिसाइडेड आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन दे वुड बी गिवन टू पाकिस्तान 60 मिलियन रुपीज़, कि पाकिस्तान को जो है वो 60 मिलियन रुपीस दिए जाएंगे ताकि वो अपने मुल्क में जो है वो आर्डिनेंस इंडस्ट्री को जो है वो डेवलप कर सके। असासों की तकसीम के हवाले से ये जो नाइंसाफ़ी थी ये भी पाकिस्तान को दफाई लिहाज से कमज़ोर रखने के मुतरादिफ थी कि ताकि वक़्त गुजरने के साथ साथ जब ब्रिटिश जो है वो यहाँ से निकलेगा तो हम जो है वो इजीली पाकिस्तान को ख़त्म कर सकेंगे। उसके बाद कनाल वाटर प्रॉब्लम, पानी का मसला, द नेशनल फ्लो ऑफ द रिवर इन द प्रोविंसेस ऑफ पंजाब वाज अफेक्टेड बाय द पार्टीशन ऑफ प्रोविंसेस, नो स्टेट कैन चेंज द कोर्स ऑफ द रिवर, के जो कुदरती बहाव था पानी का पंजाब की तकसीम की वजह से ये बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ और किसी भी मुल्क को ये राइट नहीं है कि पानी का जो नेचुरल बहाव है उसको रोक सके। इस हवाले से जो है वो इंडियन ने जो है 1948 में जितने भी दरिया पाकिस्तान में एंटर होते थे उसमें डैम और बिराज बनाना शुरू कर दिए, और रेड कलर के नाइंसाफ़ी की वजह से जो है जो फिरोजपुर और मधेपुर हेड वर्कर्स थे वो इंडियन के पास चलेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है वो बहुत सारा प्रॉब्लम दरपेश आई। रीज़न यही थी कि पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री था और पानी से महरूमी जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में पाकिस्तान को कमज़ोर रखना था, और पानी के मसले पर सबसे पहले 1948 में अक़वामे मुत्तहिदा की ज़रा की वजह से दोनों के बैन जो है वो मैदा हुआ, लेकिन इंडिया जो है वो उस पर कायम नहीं रह सका, और 1960 में जो है वो वर्ल्ड बैंक के तावन की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो पानी का मसला हल किया गया, और इसमें तीन दरिया जो थे वो इंडियन को दिए गए और तीन दरिया जो थे वो पाकिस्तान को दिए गए। जो तीन दरिया इंडिया को दिए गए उसमें जेहलम, रावी, सतलुज और ब्यास थे, और जो तीन दरियाओं का पानी पाकिस्तान को दिया गया उसमें चनाब, जेहलम और सिंध शामिल थे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ स्टेट। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान देर वार 635 स्मॉल एंड बिग स्टेट, दी स्टेट हैड गिवन ओपन ऑप्शन टू ज्वाइन पाकिस्तान एंड इंडिया, कि पाकिस्तान बनने से पहले जो है वो तकरीबन 635 छोटी बड़ी रियासतें थी जिनको ये राइट दिया गया था कि वो चाहे पाकिस्तान के साथ मिलें या इंडिया के साथ। तो इसमें कुछ ऐसी रियासतें थी जिस पर ज़बरदस्ती जो है वो इंडियन फोर्सेस ने कब्ज़ा कर लिया, और ये चार बड़ी रियासतें कौन कौन सी थी जिसमें हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़, मनावा और रियासत जम्मू कश्मीर, ये वो रियासतें हैं जिन पर ज़बरदस्ती जो है वो इंडियन ने कब्ज़ा किया, और ये मुसलमानों के लिए जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद आ जाता है ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन द गवर्नमेंट अप्लाई वार गिवन टू ओपन चॉइस टू बिटवीन टू कंट्री, के इन्हें ये ओपन चॉइस दी गई थी कि दोनों कंट्री के में से जिसके साथ चाहे मिल सकते हैं, और ये रिलीजियस बेसिस पे थी। तो उस हवाले से जो है वो पाकिस्तान के जो एम्प्लॉय थे उनको पाकिस्तान शिफ्ट करने के लिए जो है वो बहुत ही मसाइल दरपेश हुए। द गवर्नमेंट स्टार्ट टू ट्रांसफ़र द एम्प्लॉय टू कराची बाई एयर, तो गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसके ज़रिए जो है वो कराची तक मुस्लिम एम्प्लॉय जो थे पाकिस्तानी उनको शिफ्ट किया गया। टाटा ओरिएंट एयरवे जो था उसने
इनको फ्लाइट किया और सिर्फ 18 जो फ्लाइटें थी वो यहाँ पर आई, और उसके बाद जो है वो उन्होंने ये सिस्टम जो था इंडियन गवर्नमेंट ने ये रोक दिया, और सितंबर में दोबारा ये सिस्टम स्टार्ट किया ऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से, जिसमें जितने भी पाकिस्तानी एम्प्लॉय थे उनको पाकिस्तान शिफ्ट किया गया। उसके बाद आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम। एट द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान देर वार नो कॉन्स्टिट्यूशन, नेसेसरी अमेंडमेंट वॉज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1935 इंडियन एक्ट एंड इम्प्लीमेंट सो डैट पाकिस्तान कुड बी रन, के पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, और 1935 का जो एक्ट है उसमें ज़रूरी अमेंडमेंट के ज़रिए जो है वो इसको यहाँ पर नाफिज किया गया ताकि मुल्क को चलाया जा सके, ठीक है। उसके बाद इकॉनमी प्रॉब्लम। एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन देर वार 400 डिफरेंट फैक्ट्रीज वाज रन इन द सब कॉन्टिनेंट, बट अनफॉर्चुनेटली ओनली 14 फैक्ट्री वाज गिवन टू पाकिस्तान, अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चर प्लान वाज प्लान एरिया वाज गिवन टू इंडिया बाई द पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल, के पाकिस्तान बड़े सगीर में तकरीबन 400 मुख्तलिफ छोटे मड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ थी वो काम कर रही थी, जिनमें से सिर्फ जो है वो 14 फैक्ट्रियाँ जो है वो पाकिस्तान को दी गई है। इसके अलावा पंजाब और बंगाल का बहुत ज़्यादा जो ज़ेरे काश रकबा था वो इंडिया को दिया गया, और ये रेड कलफ की ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी थी ताकि माशी लिहाज से जो है वो पाकिस्तान को कमज़ोर रखा जा सके। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है द प्रॉब्लम ऑफ स्टेट, द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान एंड वाज द लार्जेस्ट स्टेट इन द सब कॉन्टिनेंट, ये बड़े सगीर की सबसे बड़ी स्टेट थी जो कि पाकिस्तान के नॉर्थ में वाक़ है, और इसकी टोटल जो आबादी थी वो तकरीबन 1945 के अदादोशुमार के मुताबिक जो है वो 4 मिलियन थी, और यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हॉल था क्योंकि 1846 में उस वक्त का जो यहाँ का राजा था डोगरा राज गुलाब सिंह, उसने 75 लाख में इसको जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सेल कर दिया था, और जब पाकिस्तान बना तो इस स्टेट का जो सलूशन था वो नहीं हो सका क्योंकि इस पर ज़बरदस्ती जो है वो इंडियन ने कब्ज़ा कर लिया था आर्मी फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से शुरू से लेकर आज तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो मसले की रीज़न जो है वो चलती आ रही है। उसके बाद आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ पश्तूखान, के आफ्टर द डेफ्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान गवर्नमेंट क्लेम द पश्तो स्पीकिंग एरिया ऑफ पाकिस्तान वाज द पार्ट ऑफ द अफगानिस्तान अर्लियर, के जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट थी उन्होंने ये क्लेम किया कि जो पश्तो स्पीकिंग एरिया है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है, तो इस हवाले से गांधी ने भी उनका साथ दिया, तो जिसकी वजह से NWFA में स्वाभिदाय कराया गया, वहाँ की अवाम और नेशनल असम्बली ने जो है वो पाकिस्तान के साथ इलहाक का इजहार किया, और इस तरह पाकिस्तान के साथ इसको मिलाया गया। और लास्ट वन आ जाता है डेथ ऑफ कैद आजम मोहम्मद अली जना बाई द ग्रेस ऑफ एंड द ग्रेट एफर्ट ऑफ कैद आजम मोहम्मद अली जना पाकिस्तान क्रिएट 14 अगस्त 1947, पाकिस्तान कैद आजम की बेपना जद्दोजहद और लीडरशिप पावर की वजह से 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया, और ये वो लीडर थे जिसने बड़े सगीर की हिस्ट्री को तब्दील किया, लेकिन पाकिस्तान बनने के तकरीबन 13 माह बाद ही ये जो हमारा अजीम रहनुमा था वो हमसे रुखसत हो गया, और ये जो था पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनी क्योंकि हम एक ग्रेट लीडर से जो थे वो महरूम हो गए थे। नेक्स्ट वन डिस्कस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, पाकिस्तान कम इन टू बी 1947, एट दैट टाइम वी हैव नो कॉन्स्टिट्यूशन, सो कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना इन्फोर्स ऑल इंडियन एक्ट 1935 विद सर्टन अमेंडमेंट इन द कंट्री फॉर द स्मूथ रनिंग, के जो 1935 का एक्ट था उसको कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें कुछ अमेंडमेंट के ज़रिए जो है वो यहाँ पर नाफिल किया गया ताकि पाकिस्तान को जो है वो चलाया जा सके। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली विच वाज पास्ड ऑन 12 मार्च 1949, के पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने
जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के सामने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया, जिसको 12 मार्च 1949 को पास किया गया और उसको यहाँ पर नाफिज किया गया। अगर हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के कुछ फीचर को डिस्कस करें तो सबसे पहले आ जाता है इस्लामी डेमोक्रेसी। द स्टेट विल बी रन अकॉर्डिंग टू इस्लामी डेमोक्रेसी सिस्टम, कि मुल्क जो है वो इस्लामी डेमोक्रेसी सिस्टम के तहत यहाँ पर चलाया जाएगा। इस्लामिक प्रिंसिपल, द इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस फुली बी फॉलो, के जितने भी इस्लामी प्रिंसिपल हैं जिसमें फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, टॉलरेंस जो है उनको फॉलो किया जाएगा। इस्लामी वे ऑफ लिविंग, इस्लामी तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक जहाँ पर ज़िंदगी गुजारी जाएगी। मुस्लिम शैल बी एनेबल टू लिविंग इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इन अकॉर्डिंग विद द टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना, के मुसलमान जहाँ पर जो रहते हैं वो इस्लाम और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ मिनोरिटीज, कि यहाँ पर जो है वो मिनोरिटी को प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शैल बी द फेडरेशन इन विच ऑल प्रिंसिपल विल इंजॉय ऑटोनॉमी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, के एक फेडरेशन बनाई जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट होगी और तमाम सूबे जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर रहते हुए काम करेंगे। फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, प्रॉपर्टी विल बी गिवन ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी, के जितने भी बुनियादी हकूक हैं वो तमाम पाकिस्तानियों को जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें जो है वो माशी, सियासी, मजहबी, इकतसादी तमाम के तमाम राइट जो है वो लोगों को मिलेंगे। फ्री जुडिशरी, जुडिशरी शैल बी इंडिपेंडेंटली एंड विल वर्क विदाउट एनी पोलिटिकल एंड इकोनॉमी प्रेशर, के अदलिया जो है वो आज़ाद होगी और बगैर किसी इकोनॉमी और पॉलिटिकल प्रेशर के अपने काम करेगी। नेशनल लैंग्वेज विल बी उर्दू, के पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज होगी वो उर्दू होगी। प्रोटेक्शन ऑफ द बाउंड्री, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर, लैंड एंड एयर बाउंड्री विल बी प्रोटेक्ट, इट विल बी द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक सूटेबल स्टेप फॉर द पर्पज़, के गवर्नमेंट जो है वो इस हवाले से ज़रूरी स्टेप लेगी ताकि जो है वो पाकिस्तान के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके। सोर्सेज ऑफ लॉ, इट इज़ मेंशन इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट द सोर्सेज ऑफ लॉ पाकिस्तान इज होली कुरान एंड सुन्ना, के जो सोर्सेज ऑफ लॉ होंगे वो कुरान मजीद और सुन्नत होंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो कि इनके मुतरादिफ होगा। डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरिया, इट इज़ मेंशन इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1947 दैट रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया शुड बी डेवलप इक्वल टू अदर डेवलप एरिया ऑफ अ कंट्री, के जितने भी बैकवर्ड एरिया जो हैं उनको जो है वो डेवलप किया जाएगा और डेवलप एरिया के बराबर लाया जाएगा। आंसरेबल गवर्नमेंट, इट मेंशन इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट द पाकिस्तान वुड बी फ्री एंड इंडिपेंडेंट स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान वुड बी बाउंड टू मेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू पब्लिक ओपिनियन एंड आंसरेबल टू द पब्लिक, के गवर्नमेंट जो है वो ऐसे डिसीजन लेगी जो जिसमें पब्लिक ओपिनियन को जो है वो मद्देनजर रखा जाएगा और गवर्नमेंट जो है वो आवाम को जवाबदेह होगी। डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, इन 1949 इट वाज डिक्लेयर्ड द डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट विल बी एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द इस्लामी कंसेप्ट, के यहाँ पर इस्लामी कंसेप्ट के मुताबिक जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो नाफिज किया जाएगा। नेशनल डेवलपमेंट, इट वाज ऑल्सो डिक्लेयर्ड इन 1949 दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान वुड बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द पीपल फॉर इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, गवर्नमेंट विल टेक ऑल पॉसिबल स्टेप इन दिस रिगार्ड, के इकोनॉमी डेवलपमेंट के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रेटजी अपनाएगी और इसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो मुल्क को आगे लेकर चलेगी। इम्पोर्टेंस, अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, तो पाकिस्तान हिस्ट्री में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के हवाले से और पाकिस्तानी कंट्री को इस्लामिक रूल के मुताबिक चलाने के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और इसको मैग्ना कार्ट की हैसियत भी पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में दी गई। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जनरल ज़ियाउल हक ने 1985 में एक अमेंडमेंट के जरिए जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का एक परमानेंट पार्ट जो था
वो बना दिया था, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ये चीज़ वाजिया हो गई थी कि पाकिस्तान में जो है वो इस्लामी स्टेट बनेगी और इस्लामी जो रूल हैं उनको ही फॉलो किया जाएगा। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949, द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्म मैनी कमेटी इंक्लूडिंग द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई गई ताकि मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया जा सके, और इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो लियाकत अली खान थे, जिन्होंने 28 सितंबर 1950 में जो है वो फर्स्ट ड्राफ्ट जो था वो पेश किया, लेकिन इनकम्प्लीट होने की वजह से जो है वो इसे दोबारा रिवाइज करने का कहा गया, और सेकंड जो ड्राफ्ट था वो ख्वाजा नाजामुद्दीन के इरा में 1952 में पेश किया गया, लेकिन उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली की जेर सदारत जो है वो पाकिस्तान जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो पेश किया गया, और उसको 23 मार्च 1956 में जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। और अगर हम यहाँ पर जो है वो 1956 के जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर हैं उसको डिस्कस करें तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कंट्री नेम। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 द नेम ऑफ द कंट्री वाज डिक्लेयर एंड इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कि यहाँ पर इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मुल्क का नाम जो था वो डिक्लेयर किया गया। उसके बाद सिग्नेचरी ऑफ द अल्लाह इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1953 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज इंक्लूडेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, के इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज इट ही शामिल किया गया, और ये इसमें मेंशन किया गया कि जो हाकमियत है वो अल्लाह ताला की है और यहाँ पर जो अवाम है वो उसके नायब के तौर पर जो है वो काम करेंगे। इस्लामी वे ऑफ लिविंग, इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1953, इस्लामी वे ऑफ द लिविंग विल बी इंट्रोड्यूस इन द कंट्री, फुली अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू द मुस्लिम टू स्पेंड देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू इस्लाम, के यहाँ पर जो मुसलमान जो है वो इस्लामी तर्ज जिंदगी से जिंदगी गुजारेंगे। उसके बाद मुस्लिम प्रेजिडेंट, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 1956 द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विल बी द मुस्लिम, के तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान का जो सदर होगा उसके लिए मुसलमान होना लाजमी होगा। प्रोटेक्शन ऑफ इस्लामी वैल्यू, सिस्टम ऑफ इस्लामी वैल्यू विल बी इम्प्लीमेंट इन द कंट्री, इन इस्लामी वैल्यू विल बी बैन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो गैर इस्लामी चीज़ें हैं उनको बैन किया जाएगा और इस्लामी वैल्यूज को जो है वो प्रमोट किया जाएगा। इस्लामी लॉ, नो लॉ विल बी इन्फोर्स विच इज डिनाइड द टीचिंग ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना, के कोई भी ऐसा लॉ जो है वो यहाँ पर नाफिज़ुल अमल नहीं हो सकता जो कि इस्लाम और इस्लाम में कुरान और सुन्नत के मुखालिफ होगा। ज़कात एंड औक़ाफ़ सिस्टम, सिस्टम ऑफ ज़कात एंड औक़ाफ़ विल बी इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान, ज़कात और औक़ाफ़ का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामी रिसर्च, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 1956 इट वॉज डिसाइडेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक रिसर्च सेंटर विल बी एस्टेब्लिश विच विल बी रिसर्च फॉर द लेजिस्लेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल, के यहाँ पर एक इस्लामिक रिसर्च बनाई जाएगी जो कि यहाँ पर बनने वाले जितने भी कानून हैं उन पर तहकीक करेगी और तहकीक से उसके बाद जो है उसको यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ द मिनोरिटीज, राइट ऑफ द मिनोरिटी विल बी प्रोटेक्ट इन द कंट्री, दे कैन स्पेंड देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिलीजन एंड कल्चर, के जितने भी अकलीतें हैं उनको यहाँ पर तहफ़ होगा और यहाँ पर इस्लाम के वो अपने मजहब के मुताबिक जो है और कल्चर के मुताबिक जो है ज़िंदगी गुजार सकेंगे। एलिमिनेशन ऑफ रिबा, रिबा विल बी एलिमिनेट फ्राम द कंट्री एज सुन एज पॉसिबल, सूद का खात्मा किया जाएगा बहुत जितनी जल्दी हो सके। रिलेशन विद मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान विल एस्टैब्लिश गुड रिलेशन विद अदर मुस्लिम इस्लामिक कंट्री ऑफ द यूनिट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, के पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर जितनी भी मुस्लिम कंट्री है उसके साथ अपने रिलेशन को जो है वो डेवलप करेगा। वेलफेयर स्टेट, पाकिस्तान विल बी आ वेलफेयर स्टेट एंड गवर्नमेंट विल ट्राई इट बेस्ट टू एलिमिनेट द पॉवर्टी एंड इलिटरेसी फ्राम द कंट्री एंड द बेसिक फैसिलिटी लाइक फूड शेल्टर क्लॉथ शैल बी प्रोवाइडेड टू द पीपल, के यहाँ पर जो है वो एक
फलाही रियासत बनाई जाएगी और जहां से गुर्बत और बेरोजगारी और एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, गुर्बत को ख़त्म किया जाएगा, बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाएगा और जितनी भी बेसिक ज़रूरतें हैं जैसा कि फूड, शेल्टर, क्लॉथ वगैरह, ये लोगों को जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। एंड ऑफ द इलिटरेसी, द गवर्नमेंट विल टेक अ सर्टन स्टेप टू एलिमिनेट द इलिटरेसी फ्राम द कंट्री एंड एजुकेशन विल बी डिक्लेयर फ्री एंड कंपल्सरी इन पाकिस्तान। गवर्नमेंट विल आल्सो टेक अ सूटेबल स्टेप फॉर द अडल्ट एजुकेशन इन द कंट्री, के गवर्नमेंट जो है वो ऐसे तमाम स्टेप लेगी जिससे जो है एजुकेशन यहाँ पर प्रमोट की जाए और बड़े पाकिस्तान में जो है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन बनाया जाएगा। और इसके अलावा जो है तलीम बालगाह की तरफ जी जो है वो भी फोकस किया जाएगा। कंपल्सरी ऑफ टीचिंग ऑफ होली कुरान, कुरान जी की तालीमात को जो है वो कंपल्सरी बनाया जाएगा। सेपरेट इलेक्टेड, इट वाज डिक्लेयर्ड द इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1956 द सेपरेट इलेक्टेड वुड बी प्रोवाइडेड टू द मिनोरिटी, के मिनोरिटी को जो है वो अलहदा इलेक्शन लड़ने का राइट होगा। फ्री जुडिशरी, जुडिशरी शैल बी इंडिपेंडेंटली एंड विल वर्क विदाउट एनी पोलिटिकल इकोनॉमी प्रेशर, जो अदलिया है वो आज़ाद होनी चाहिए और बगैर किसी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर के वो अपना काम करेगी। नेशनल लैंग्वेज, उर्दू एंड बंगाली विल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, उर्दू और बंगाली जो है वो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज होगी। कैंसिलेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था बेटा 1956 का, ये कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा देर तक नहीं चल सका। इसकी जो मुद्दत थी वो तकरीबन 2 साल और 7 माह थी और 7 अक्टूबर 1958 को उस वक्त के जो जनरल थे, जनरल अयूब खान, उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा की जो गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म करके पाकिस्तान का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ख़त्म कर दिया। तो पॉलिटिकली जो है हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर कॉन्स्टिट्यूशनली ये डिस्कस कर सकते हैं। अब पॉलिटिकल फेज के हवाले से फर्स्ट 11 ईयर को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें जो है सबसे पहले पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना 1947 टू सितंबर 1948, पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे जिनका ड्यूरेशन था 1947 से 48 तक। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद जो है वो ख्वाजा नाजमुद्दीन बिकम गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड उनका जो इरा था वो सितंबर 1948 से अक्टूबर 1951 तक का था। उसके बाद ख्वाजा नाजमुद्दीन के बाद जो है वो गुलाम मोहम्मद जो थे वो पाकिस्तान के थर्ड गवर्नर जनरल के तौर पर उन्होंने काम किया, जिनका इरा जो था वो 1951 से लेकर 55 तक था। और उसके बाद जो है सिकंदर मिर्ज़ा 1955 से अक्टूबर 1955 से मार्च 1956 तक पाकिस्तान के जो है वो फोर्थ गवर्नर जनरल के तौर पर काम किया। उसके बाद पाकिस्तान में जब कॉन्स्टिट्यूशन नाफज किया गया तो पाकिस्तान के जो फोर्थ गवर्नर जनरल थे वो पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। सिकंदर मिर्ज़ा जो थे वो 1956 से अक्टूबर 1958 तक पाकिस्तान के जो है वो पहले गवर्नर प्रेसिडेंट के तौर पर इन्होंने जो है वो यहाँ पर काम किया। अगर हम इस इरा में प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात करें तो पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे लियाकत अली खान थे जो कि अगस्त 47 से अक्टूबर 51 तक थे। उसके बाद ख्वाजा नाजमुद्दीन जो कि पाकिस्तान के सेकंड गवर्नर जनरल थे, लियाकत अली खान को जब 1951 में जो है वो रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया तो ख्वाजा नाजमुद्दीन वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने और 51 से लेकर 53 तक इनका इरा था। ख्वाजा नाजमुद्दीन के बाद मोहम्मद अली बोगरा जो थे वो पाकिस्तान के थर्ड प्राइम मिनिस्टर बने, जिनका इरा जो था वो अप्रैल 53 से लेकर अगस्त 55 तक का था। और उसके बाद जो है वो चौधरी रहमत अली पाकिस्तान के फोर्थ प्राइम मिनिस्टर बने, जिनका इरा 55 से लेकर 56 तक का था। 56 में एच एस सोहरावर्दी जो कि सितंबर 56 से लेकर 57 तक पाकिस्तान के फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम किया। और इनके बाद इब्राहिम इस्माइल चंडीगढ़ आईआई चंडीगढ़ 57 से दिसंबर 57 मीन के 2 साल के लिए जो है ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। और इस इरा में लास्ट में फरोज खान नून जो कि उस वक्त के प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा के मुतहत जो है वो 57 से 58 तक ये तकरीबन जो है वो 11 मंथ पाकिस्तान के 7 प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने यहाँ पर
काम किया। इसी राह में लास्ट में अगर हम मेजर इशू की बात करें तो फर्स्ट 11 ईयर जो था वो पॉलिटिकली हमारे लिए बहुत ही गैर मुनासिब था। सबसे पहले तो हमें जो यहाँ पे मेजर इशू दरपेश आए वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के हवाले से था, उसके बाद इलेक्शन के हवाले से था कि इस राह में जनरल इलेक्शन जो थे वो नहीं हो सके। प्रोविंशियल लेवल पर इलेक्शन हुए जो कि पंजाब और NWFP में 51 में हुए, सिंध में 53 में और ईस्ट बंगाल में जो है वो 54 में हुए। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो थी वो डिसॉल्व कर दी गई और फिर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो थी वो 55 में उसने काम स्टार्ट किया। वन यूनिट स्कीम जो थी वो 55 में इंट्रोड्यूस करवाई गई, ठीक है। और उसके बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद पाकिस्तान में 56 में कॉन्स्टिट्यूशन नाफज किया गया, लेकिन पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी की वजह से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो ज़्यादा देर तक ना चल सका और इस तरह पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो 2 साल और 7 माह के बाद ही ख़त्म हो गया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम इस हवाले से कह सकते हैं कि फर्स्ट 11 ईयर में हमने 4 जो थे वो गवर्नर जनरल चेंज किए और 7 जो प्राइम मिनिस्टर थे वो चेंज किए, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे उनमें इक्तदार की हवस और इक्तदार के लिए जो है वो चेंजिंग और इसमें ब्यूरोक्रेसी का जो किरदार था वो भी बहुत ज़्यादा अहम था। जिस तरह जनरल अयूब खान ने फर्स्ट मार्शल लॉ लगाया तो सिविल सर्विसेज से बिलोंग करते थे और इकतदार की हवस जो थी वो इन्हें इकतदार की तरफ ले आई और सियासी कश्मकश जो थी जितने भी पॉलिटिकल रहनुमा थे या पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका आपस में इत्तेफाक ना होना जो है वो पाकिस्तान में फर्स्ट मार्शल लॉ की रीज़न बना। तो ये कुछ फेज था 1947 से 58 तक का, जिसमें हमने सबसे पहले पाकिस्तान की जो अर्ली प्रॉब्लम्स थी उनको डिस्कस किया, उसके बाद जो है हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया और जितनी भी पॉलिटिकल कंडीशन थी वो हमने इस इरा में डिस्कस